हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एंड वी आर बैक विद अ न्यू व्लॉग। निर्लज, तू फिर आ गया। तो गाइस, आज हम निकल पड़े हैं पौना कैंपिंग के लिए एंड वी आर गोइंग टू स्पेंड आवर होल नाइट इन अ टेंट। तो क्या नाचो भाई? हम लोग घर से अराउंड 50 किलोमीटर दूर आ चुके हैं, पर अभी भी 15 किलोमीटर बाकी है। हमें पहुँचना था अराउंड 4 बजे, 5:30 हो चुके हैं, फिर भी हम पहुँचे नहीं है। As usual, we are late. Yes. So, चलो अभी 15 किलोमीटर का सफर बाकी है, तो तय करते हैं। ये रही हमारी धन्नो। Let's go. तो चलिए शुरू करते हैं। अगले सफर तक के लिए ड्राइवर हमने चेंज किया है, तो चलो भाई ठीक से चलाना, ठीक है ना? Start करो। किल स्विच, यही से शुरुआत है हमारी। यही से शुरुआत है। चलो स्टैंड। बेबी, मुझे तुम्हारे लिए गाना सूझ रहा है। डरने का नहीं, रुकने का नहीं, रास्ते के बीच में जाने का नहीं। तो भाई ने बहुत दिनों बाद गाड़ी हाथ में ली है, इसलिए थोड़ा डर डर से चल रहा है। ऑलरेडी हमें 2 घंटा लेट हुआ है कैंपिंग के लिए, उसका अभी कॉल आया था। भाई तो आज इतना डर क्यों रहा है बाइक चलाते हुए? पता नहीं इसकी आवाज़ रिकॉर्ड हो भी रही है या नहीं। आगे रास्ता थोड़ा कच्चा है, हमारा ड्राइवर डर गया है, तो अभी ड्राइवर फिर से चेंज गाड़ी में लूंगा। कैसे थी फीलिंग? इतना छोटा सा रास्ता है, रिस्क नहीं लेना। तो हाँ, देखो आप देख सकते हैं रास्ते का काम चल रहा है, किधर गई गाड़ी है ये। तो चलो अगला सफर मैं कंटिन्यू करूँगा। जल्दी चलो, जल्दी। बहुत सारे मल्टीपल कैंपिंग साइट्स होने की वजह से हमें यहाँ एग्जैक्ट जहाँ बुकिंग है वो ढूंढने के लिए थोड़ा टाइम लग गया। पता नहीं आवाज़ आ रही है या नहीं, सॉन्ग्स बोल रहे हैं। बहुत टाइम लग गया एक्चुअली। यहाँ पे बहुत सारे कैंपिंग साइट्स है, हमने जो बुक किया था वो ढूंढने में हमें थोड़ा टाइम लग गया, इसलिए हमें देर हो गई। और आते ही सबसे पहला काम हमने ये किया कि भाई पेट पूजा हो गए, और सबसे पहले पेट पूजा की हमने ये वीडियो ये के लिए इम्पोर्टेंट। हमने सोचा ब्रेकफास्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, स्नैक्स एक्चुअली, बट वो अच्छा था। व्हाट वी हैड, पाव भाजी। और ये जो पीछे आप लोग देख रहे हैं ये हमारी कैंपिंग साइट है, जो टेंट्स लगे हुए शायद दिख नहीं रहे, इसमें छोटे छोटे टेंट्स दिख रहे हैं। और ये सामने है हमारा लेक, बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू लग रहा है यहाँ से, और चारों तरफ से पूरी की पूरी कैंपिंग साइट से इसमें। मैं एक्चुअली बहुत एक्साइटेड थी यहाँ आने के लिए, बट यहाँ आते ही एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी, पर यहाँ आते ही एक छोटा सा रिग्रेट हुआ कि जितने भी लोग हमने देखे सब लोग ग्रुप से आए हुए थे। मैंने इसे पहले ही बोला था कि दोनों अकेले जाने से अच्छा है कि किसी को साथ लेके चलते हैं, ताकि अगर ग्रुप हो तो मज़ा ज़्यादा होता है भाई, बट अभी ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। पर अभी ऐसा लग रहा है कि इन सबके बीच में हम दोनों अकेले पड़ गए हैं। फिर भी हम ट्राई करेंगे बहुत ज़्यादा मज़ा करने का। मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। लेट्स सी, हम अगली बार शायद अपने ग्रुप को भी लेके आए। हाँ, ऐसा लग रहा है कि अगली बार हम लोग आ सकते हैं फिर से यहाँ पे, और अगली बार अगर आएंगे तो ग्रुप को लेके ही आएंगे। और कोई हमारे साथ आना चाहेगा तो हमें अप्रोच करो यार, हमें कि चलो हम साथ में चलते हैं। यूट्यूब पे कमेंट करो कोई तो चलो हमारे साथ प्लीज। तो चलो अभी क्या करेंगे हम लोग? हम जाते अभी, वैसे 8 बजने को है, 7:45 है, 8 o'clock को बारबेक्यू मिलेगा हमें। बारबेक्यू मिलेगा यार, वो इसके लिए तो बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ मैं। हम तो खाने के लिए आए ऐसे लग रहा है मुझे, क्योंकि आते ही हमने पाव भाजी खाई है। तो चलो हम अभी कैंपिंग एंजॉय करेंगे, और
कैंपिंग के बारे में एक पूरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमने पहले से बना रखा है, जो कि आपको ऊपर आई बटन में दिखेगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे उसकी, जिसमें हमने पूरा कुछ इंक्लूड किया है, लाइक चार्जेस क्या है यहाँ पे, क्या क्या इंक्लूडेड है पैकेज में, सब कुछ मिल जाएगा, और रेट्स क्या है, किस चीज़ के कितने रेट से आपको, कौन सी कैंपिंग साइट अगर आप लोग आने का प्लान कर रहे हो तो आप कैसे आ सकते हैं, और क्या कौन सी साइट प्रेफर करेंगे. सो इफ यू आर कमिंग, प्लानिंग टू कम, प्लीज सी दैट वीडियो. या लेट्स गो. छोटी बच्ची से बार बार हार रही है ये लड़की. हाँ सो वी आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ, और ये हमारी बॉलर है. कम ऑन, डाल बेटा बॉल डाल, भाग भाग, अभी देख कैसे भगाता हूँ तुझे. Well played man, भाग भाग भाग. हमने गेम्स खेले, क्रिकेट खेला, फुटबॉल खेला, अभी बैडमिंटन भी खेला हमने, और अभी देर से खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा थक गए. हमारा क्या बारबेक्यू तो बहुत पहले ही हो चुका था, बहुत टेस्टी था, पर थोड़ा ठंडा था, बट दैट्स ओके, टेस्ट इतनी अच्छी थी कि चल जाएगा. और हम अभी वेट कर रहे हैं कि कब हमें डिनर मिलेगा, तो अभी तो 10:15 बज रहे हैं कि हमारा बारबेक्यू पूरा डाइजेस्ट कर लिया है. अनलिमिटेड डिनर के लिए जगह बनाई है हमने पेट में. सो मतलब आपको समझ रहा है कि हम लोग यहाँ सिर्फ खाने और खेलने आए. तो और क्या कर सकते हैं यहाँ पे आके. ऑलराइट, सो चलो अभी नीचे चलते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं. और हाँ, हमारा प्लान है, हमने कोल्ड ड्रिंक्स भी मंगवाई थी, तो खाने के बाद हम लोग चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स खाते खाते हमारे टेंट में मूवी देखेंगे. अनलिमिटेड खाना खाने के बाद फिर हम चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स खाने वाले, फिर हम और भी पचाएंगे ना खाना खाने के बाद. भूखड़े वी आर वेरी फूडी. हमारा बारबेक्यू डिनर सब कुछ हो गया. खाना इतना टेस्टी था कि क्या बताऊँ यार. और इतनी देर से हम लोग बॉनफायर के सामने बैठे हुए थे, लाइव कॉन्सर्ट चल रहा था, बहुत मज़ा आया. अभी डेढ़ बज रहा है गाइस, रात का डेढ़ बज रहा है या दो, डेढ़ बज रहा है. यस, अभी हम लोग जाएंगे टेंट में, पर शायद ही सोएंगे. समझ रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पे नेट वगैरह कुछ चल तो नहीं रहा है. अगर नेट चल रहा रहता तो हम मूवी वगैरह देखते टेंट में बैठ के. पर अभी क्या कर सकते हैं, अभी हम सोच रहे कि क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे घूमने के लिए स्पेस बहुत ज़्यादा है. ये पीछे लेक है, और तो अभी सो जाते हैं और मॉर्निंग में जल्दी उठ के सनराइज देखते. जल्दी उठना तो नहीं होगा भाई, मेरे से तो आज नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ठंड भी है, ठंड भी बहुत है. कब देखेंगे फिर हम? कल शाम को देखते हैं सनराइज, घर जाने के बाद सनराइज देखेंगे शाम को. हाँ, मैं दिखाऊंगा यूट्यूब पे वीडियो लगा के. आई नो इट वॉज सो बैड, लेम, इट वॉज लेम. कुटे जाती है, स्कैमर रहती है. 2:30 एट नाइट, और हम लोग टेंट में आ चुके हैं. बहुत अंधेरा है टेंट में, कुछ दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं यहाँ के ज़्यादा शॉट्स नहीं लूँगा. हम लोग सीधा सुबह उठ के आपको मिलेंगे. बाय.
चुका है, हम उठे, फ्रेश हुए, ब्रेकफास्ट किया एंड अभी वी आर बैक टू दिस ब्यूटीफुल लेक। बहुत ही सुंदर नज़ारा है ये नज़ारा ये नहीं, तुम्हारे पीछे का नज़ारा और ये देखते देखते सुबह का नाश्ता और चाय, आय हाय हाय, बहुत ही मज़ा आया गाइज। सो आई गेस दिस इज द एंड ऑफ आवर ट्रिप विद इन एन आवर एट दिस प्लेस। अभी हमारे पास पूरा दिन बाकी है, हम यहाँ से कहीं और भी जा सकते हैं, कोई और प्लेस भी ढूंढेंगे हम जाने और, के लिए। हाँ, अगर आप लोग आना चाहते हो इस जगह पे तो हमने ऑलरेडी एज वी सेड एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड किया है, वहाँ से आपको प्रोज एंड कॉन्स पता चल जाएगा इस प्लेस के। राइट, सो साइनिंग आउट फॉर दिस ब्लॉग एंड इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को प्लीज। थैंक यू, बाय बाय।